हेलो गाइस वेलकम बैक टू अर चैनल पी सी एम बी डिजिटल ग्रुकल बेटा कार्बन एनिट्स कंपाउंड्स के टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन द एलिमेंट ऑफ लाइफ कार्बन इज़ अ वर्सेटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मेनी अदर थिंग्स कार्बन इतना वर्सेटाइल या हर जगह पाए जाने वाला एलिमेंट है जिससे हमारी जनरल लाइफ की बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कार्बन बिलोंग टू द ग्रुप फोर ऑफ द पीरियोडिक टेबल

इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव फोर एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस ऑफ कार्बन विद सिक्स प्रोटोन टू होल्ड ऑन एक्स्ट्रा फोर इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दोनों ही बातें मुश्किल हैं कि छः नंबर वाल प्रोटोन छः हैं कार्बन में क्योंकि इसकेटमी नंबर छः है आपने पिछले वर्कशीट नाइन्थ क्लास में पढ़ाई होगा तो इसके लिए मुश्किल है कि चार नए इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करे और इससे चार इलेक्ट्रॉन्स को ले जाना भी हमारे लिए मुश्किल है बिकॉज दैट वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी तो कार्बन इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करता है बाई शेयरिंग इट्स वेल एस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर आइटम ऑफ कार्बन जो कि इसकी एक यूनिक एबिलिटी है आइटम ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन नाइट्रोजन वो भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वाई कार्बन इज टेट्रा वेलेंट क्योंकि उसकी आउटरमोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन है इट हैज फोर इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आर्टरमोस्ट ऑर्बिट सो इट्स वेलेंस इज फोर एंड कॉल्ड एज टेट्रा वेलेंट और इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं बेटा ये हमारा किस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कार्बन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बात है इसमें आप वाला आंसर लिख सकते हैं सो इट फॉर्म्स कोवलेंट बोन्स इससे तो हमारी क्या हो जाएगी स्टेटमेंट जस्टिफाई हो जाएगी तीसरा क्वेश्चन है वाई इज इज द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम तो भाई इसमें यह आंसर होगा कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन विच इज इट्स यूनिक फीचर कि वो अपने ही एटम्स के साथ क्या करता है बॉन्डिंग बना लेता है हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन की कार्बन किस प्रकार से नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन करता है तो उसका आंसर ये है इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड टू अटेन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन राइट ये हो जाएगा हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर और पांचवा सवाल है वाई कार्बन इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ लाइफ कार्बन इज कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ लाइफ बिकॉज तो उसमें ये आंसर हो जाएगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग अस